نواب اسلم رئیسانی صاحب بیا د دوی بل اکا چې دی نواب ساده لشکری رئیسانی صاحب د دې کورنۍ د لټریچر سره د ادب سره د کلچر سره یو ډیر ژور تعلق دی ژور رشتہ دی سره نو اوس زوارم چې منسٹر صاحب دا ستاسو د پټکیانو دا ستاسو جوش ولولا چې دا په دې باره کې څه غواړي او دې څه ویل غواړي د دې څه تاسو راکړي خوش آمدی ویلکم او السلام علیکم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्योंकि आज पश्तून कल्चर डे है और हकीकतन पश्तो में बोलनी चाहिए क्योंकि थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ और थोड़ा पश्तो आता नहीं, मुझे नहीं आता, तो कोशिश कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जोश खरोश दिख रहा है आज। बोलो शराब्लास्ट मुबारकी उड़ानी को मुबारकी उड़ानी को जय पश्तून मुबारकी रंगो। बहुत शुक्रिया मानला साहब। अच्छा, जैसे आप सबको पता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको मैं देखकर जोश के साथ, खुरोश के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूथ मौजूद है। और जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में कई अकवाम रहते हैं और हम एक दूसरे के हमसाए हैं, तो एक दूसरे का हमें कल्चर रस्म व रिवाज से वाबस्तगी, ये मैं समझता हूँ, लाजमी है। जैसे आप सबको पता है मेरे भाइयों और बहनों, पश्तूनों का जो तारीख है 5,500 साल पुरानी जो तहजीब है उस पे मोहित है। पश्तून के उनके अपने कवानीन हैं, उनके अपने रवायात हैं, उनके अपने सकाफती लिबास हैं और उनके अपने कवानीन हैं जो कि वो जिरगा के तहत सज़ा और जजा का फैसला करते हैं। और जिसमें जिस जगह में हर माशरे का हर बंदा पश्तून से जो ताल्लुक़ रखता है वो इसमें यकजा होते हैं। पश्तून के बारे में क्योंकि बलूचिस्तान में हम रहते हैं तो बहुत मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पश्तून बहुत वफ़ादार हैं।
और एक बात और उनका बड़ा मशहूर है कि वो अपना बदला कभी नहीं छोड़ते। तो बहुत गैरतमंद है और अपना बदला नहीं छोड़ते और दुश्मन को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ कबायली रस्म रिवाज है और वो बहुत नरम दिल भी हैं, तो अगर दुश्मन अपने ख्वातीन किसी जगह में भेजे तो वो 50-50 खूनों के भी फैसले करते हैं। पश्तून अपने सरजमीन के साथ बहुत प्यार करते हैं, अपने कल्चर के साथ बहुत प्यार करते हैं और 23 सितंबर इस बात का सबूत है। पश्तून के रगों में, पश्तून के दिल में अपने बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम, ख्वातीन की इज्जत और बच्चों की शफकत और हमसाई के लिए अच्छा सोचना है। जैसे आप सबको पता है कि बलूचिस्तान में कई अकवाम रहते हैं जिसमें बलोच भी है, पश्तून भी है, हज़ारे भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं। तो एक बलूचिस्तान में हम रह के एक जो हमारा भाईचारे का जज्बा है, मैं समझता हूँ कि क्वेटा शहर इस बात का बहुत खूबसूरत मिसाल है। तो आखिर में मैं आप सबको पश्तो में ट्राई करके मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ क्योंकि यंग हूँ और सीखने का मौका मिल रहा है और मेरा तो ये आप मुझे अपने साथ ट्यूटर रखे भाई। मैं आपको अगले प्रोग्राम में पश्तो से ही सारे स्पीच करवा दूंगा। सर आप मेरे उस्ताद हैं, आज आपने मुझे चंद अल्फाज बुलवाए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे उस्ताद। हमारा कल्चर का ऐसा है कि आपको अगर एक लफ्ज भी सिखाए तो वो आपका उस्ताद है। तो इस हवाले से मैं जमाल रईसानी साहब का उस्ताद हो गया भाई। तो आखिर में कहना चाहता हूँ कि टोल पश्तूनान दी दादा कल्तूरी मुबारक है, देर देर मुबारक।